नमस्कार मित्रों, जो है YouTube के शिक्षा पारकम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जो है GK 2020 जो है भाग 8-9 में आज जो है हम मिलकर के चर्चा करते हैं, ठीक है। तो GK 2020 भाग 9 जो है ये आज हम लोग इसके अंतर्गत पहला सवाल देखते हैं। मित्रों, किताबुल हिंद पुस्तक किसकी है? तो किताबुल हिंद पुस्तक जो है किसकी है? अल बरूनी की है। किताबुल हिंद पुस्तक किसकी है? अल बरूनी की है। और साथ ही ये भी जान जाइए कि जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था अल बरूनी, ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल बरूनी। और यह किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ, ठीक है। मित्रों, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का चलाया, तो भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का मित्रों जो है चलाया था इंडो ग्रीक शासकों, जिसमें मेनांडर था। क्लियर मित्रों, जो है भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्का चलाया कौन? तो इंडो ग्रीक शासक यानी हिंद यूनानी शासक, और उसमें प्रथम कौन था? तो मेनांडर, ठीक है। मेनांडर जो है भारत में सिक्का चलाने वाला प्रथम हिंद यौन शासक था, सोने का सिक्का। साथ ही मित्रों जो है अगर कुषाण शासक पूछे तो कुषाण शासक जो है विम कडफिसस ने चलाया था। कुषाण शासकों में विम कडफिसस ने भी जो है सोने का सिक्का सबसे पहली बार चलाया था। तो आपको यहाँ याद रखना है, सर्वप्रथम जो है स्वर्ण सिक्का चलाया इंडो ग्रीक शासकों ने, और उसमें था मेनांडर, ठीक है। जो है मेनांडर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है, और नागसेन से इसका संवाद जो है वो जो है मिलिंद पन्नो नामक ग्रंथ में मिलता है। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम प्रमाण मिलता है, ठीक है। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इंडियन लीग की स्थापना जो है 1875 में, सितंबर 1875 में, और कौन किया था? शिशिर कुमार घोष। कौन किया था? शिशिर कुमार घोष। साथ ही और भी याद कर लेते हैं, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस ने। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है कौन किया था? तो तेलंग तैयब मेहता। क्लियर, और अगर पूछे कि जो कांग्रेस की स्थापना, ए ओ यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो नवजीवन पत्रिका के संपादक जो है कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी मेरे सत्य के प्रयोग। क्लियर, हरिजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, ठीक है। हरिजन के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम से? तो केंद्र में जब भी पूछे केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम। और अगर पूछे कि राज्यों में द्वैध शासन, तो राज्यों में द्वैध शासन जो है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में जो है ये राज्यों में द्वैध शासन, और 1935 में जो अधिनियम था उसमें केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ये दोनों बात जो है याद रखिएगा। अगर पूछे लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के अधिनियम से, ठीक है। अगर पूछे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं।
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध जो है ये किस वाद में आया? तो पहले ये समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है मुरली देवरा बनाम भारत संघ, सुप्रीम कोर्ट ने मुरली देवरा बनाम भारत संघ मामले में जो है ये कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना जो है अनुच्छेद 21 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन है। फिर से समझिए, जो है मुरली देवरा बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना जो है अनुच्छेद 21 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसलिए जो है राज्यों को यह निर्देश दिया उसने कि जो है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का कानून बनाएं और उसे लागू करें। क्लियर मित्रों? आगे अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे, ये मुस्लिम लीग की तरफ से चुने गए थे। तो अंतरिम सरकार में जो है विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। और अगर पूछे स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर। लेकिन अंतरिम सरकार में विधि मंत्री कौन थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल। किस पार्टी से थे? तो जो है मुस्लिम लीग पार्टी से चुने गए थे। क्लियर मित्रों? अब आगे बढ़ते हैं, गणगौर नृत्य कहाँ का है? तो गणगौर नृत्य जो है मित्रों राजस्थान का है। गणगौर नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। साथ ही हम लोग याद रखेंगे कठपुतली, घूमर, कालबेलिया, ये कहाँ का है? तो राजस्थान का। कठपुतली, घूमर और जो है कालबेलिया, कठपुतली, घूमर, कालबेलिया और साथ में जो है गणगौर नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। गणगौर नृत्य राजस्थान, कठपुतली राजस्थान, घूमर राजस्थान और जो है कालबेलिया राजस्थान। क्लियर? अब आगे बढ़िए, गोल्डन गर्ल जो है किसकी आत्मकथा है? तो गोल्डन गर्ल पीटी उषा की आत्मकथा है। गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? पीटी उषा। गोल्डन गर्ल पीटी उषा। नो स्पिन सेन वार्न, नो स्पिन जो है किसकी आत्मकथा है? तो सेन वार्न की आत्मकथा है। क्लियर? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी। एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, जो है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। क्लियर मित्रों? तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी। हृदय का अध्ययन जो है कार्डियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। क्लियर? असत्य फल, असत्य फल जो है पहले समझिए किसे कहते हैं। तो असत्य फल जो है जब पुष्पों में निषेचन जो है जब पुष्पों में निषेचन जो है पुष्पासन में हो तो वो जो है असत्य फल या फाल्स फ्रूट बनता है। ऐसे समझिए इसको, फिर से जो है समझिए मित्रों, जो है जैसे पुष्पों में जो निषेचन होता है वो अंडाशय में होता है, ठीक। अंडाशय में जब निषेचन होता है और अंडाशय ही जो है आगे वृद्धि करके फल के रूप में विकसित होता है, तो जब अंडाशय का विकास फल के रूप में होता है तो वो सत्य फल। कौन सा फल? सत्य फल। लेकिन जब निषेचन की क्रिया अंडाशय के बजाय पुष्पासन में हो और जब पुष्पासन ही फल के रूप में विकसित हो जाए तो उसे कहते हैं फाल्स फ्रूट या असत्य फल, जैसे सेव। जैसे सेव। तो मित्रों समझ गए होंगे, ये असत्य फल जब निषेचन की क्रिया अंडाशय में हो और अंडाशय ही फल बन जाए तो सत्य फल, लेकिन जब निषेचन की क्रिया पुष्पासन में हो
और पुष्पासन विकसित होकर फल बन जाए तो उसे कहते हैं असत्य फल या फाल्स फ्रूट, जैसे सेव। क्लियर। अब आगे काल गुरली और कूल गार्डी, ठीक है। काल गुरली और कूल गार्डी सोने की खान कहाँ है, तो ये बहुत सोने की विश्व प्रसिद्ध खान है जो है ऑस्ट्रेलिया में है। क्लियर मित्रों। जैसे भारत में सोने की खान कोलार, अगर पूछे जोहान्सबर्ग की खान तो दक्षिण अफ्रीका, ये भी सोने की खान है। तो भारत में सोने की खान कौन प्रसिद्ध है, जो है कोलार की खान, कहाँ है, कर्नाटक में। और ये काल गुरली और कूल गार्डी सोने की खान कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। अगर पूछे जोहान्सबर्ग सोने की खान कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर मित्रों। आगे बढ़ते हैं, विषुवत रेखा पर स्थित एशियाई देश, तो तीन है जो है विषुवत रेखा पर कुल जो है तीन एशियाई देश जो है स्थित हैं। क्लियर। तीन एशियाई देश हैं कौन कौन, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। क्लियर मित्रों। आगे जो है दक्षिण भारत की जो है उच्चतम सर्व पर्वत चोटी कौन है, तो दक्षिण भारत की उच्चतम पर्वत चोटी है अनाई मुदी। कौन है, अनाई मुदी। किस पर्वत की उच्चतम चोटी है, तो अन्नामलाई। अन्नामलाई की उच्चतम चोटी अनाई मुदी। अन्नामलाई की उच्चतम चोटी अनाई मुदी। अनाई मुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किस पर्वत पर स्थित है, अन्नामलाई पर। साथ ही नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, डोडा बेटा। और साथ ही इलायची पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अगस्त मलाई। इलायची पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अगस्त मलाई। क्लियर मित्रों। शोल्डर, शोल्डर या इसे कहते हैं टांका, शोल्डर या टांका, क्या कहते हैं, टांका, ठीक है। तो शोल्डर या टांका, टांका जो है किससे बना है, तो सीसा एवं टीन, लेड टीन या सीसा टीन, ठीक है मित्रों। अब अगर साथ ही हम लोग याद कर लें पीतल, पीतल किससे बना है, तो Cu+ZN, Cu+ ZN। और अगर पूछे कांसा किससे बना है, तो Cu+ SN। क्लियर। तो याद रखिए तीनों, आप जो है शोल्डर किससे बना है, तो लेड और टीन या सीसा टीन से, ठीक है ये जो है। उसके बाद जो है अगर पीतल पूछे तो Cu+ ZN, पीतल पूछे तो Cu+ ZN, और अगर कांसा पूछे तो Cu+ SN। Cu+ ZN पीतल, Cu+ SN कांसा, ठीक है। और जो है ये शोल्डर या टांका किससे है, तो लेड और टीन या सीसा और टीन। क्लियर मित्रों। सलाल परियोजना कहाँ है, कश्मीर में है। सलाल बगलीहाल दुलहस्ती, सलाल बगलीहाल दुलहस्ती, सलाल बगलीहाल दुलहस्ती, सलाल बगलीहाल दुलहस्ती, एकदम दिमाग में बैठाइए। सलाल बगलीहाल दुलहस्ती परियोजना कहाँ है, तो कश्मीर में। किस नदी पर, चिनाब नदी पर। सलाल बगलीहाल दुलहस्ती परियोजना कहाँ है, तो कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। सलाल बगलीहाल दुलहस्ती। क्लियर। अब आगे जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी है, रूसो की है। रूसो कहाँ का था, फ्रांस का। फ्रांस की क्रांति में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है और फ्रांस की क्रांति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और साथ ही एमाइल, एमाइल या एमिल लिखा जाता किताबों में। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमिल, ये दोनों पुस्तक किसकी है, तो ये दोनों पुस्तक जो है रूसो की है। क्लियर मित्रों। अब जो है आगे हम लोग अगला सवाल पढ़ेंगे, मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो मकड़ी जो है, मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ है ग्वानीन। मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, ग्वानीन। साथ ही मकड़ियों में कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं, तो चार। कितने जोड़ी, चार जोड़ी। इसीलिए मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती है, मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती। क्यों, उसमें जो है तीन के बजाय चार जोड़ी पैर पाए जाते हैं। और जो है मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ क्या है, ग्वानीन। क्लियर। अब जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये तो बहुत कॉमन सवाल है मित्रों, और आप लोगों को पहले से याद होगा, फिर से इसका रिवीजन कर लीजिए। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा। किस वर्ष गए थे, 1984। तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो है प्रथम भारतीय कौन थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। और
जो है ये किस वर्ष गए थे, तो 1984 में गए थे। तो मित्रों ये जो है भाग 9 के जीके 2020 में हम लोग जो है मिलकर के जो है बातचीत किए, इसको याद करने का प्रयास किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है बहुत सारे चीज़ जो है आपको काफ़ी याद हो गए होंगे जो है, और जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फारकम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।